हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, ये जो अचार मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आम लाने के बाद धोने के बाद मैंने धूप में सुखा लिया है और उसके बाद इसमें लगा दिया हल्दी और नमक, जिससे हमारा अचार 2-3 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा और हम लोग आराम से खाएंगे। और इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, इसका यूज करेंगे। और इसके लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है जीरा, धनिया, सौंफ और कलौजी। और ये सब, ये देखिए, यहाँ पर जो है मेरा जीरा भुन रहा है, ये कम से ये है 100 ग्राम जीरा। और 100 ग्राम हम राई भी रखेंगे और ये कलौजी हम रखेंगे 10 ग्राम, बस इतना ही। और जिस हिसाब से आपके पास अचार है उस हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं। मैंने 3 किलो आम लिया है, तो हम सारे मसालों को इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के, ये देखिए सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं और मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे। हमने इसमें मेथी भी डाला है, ये देखिए मेथी भी डाली है। और जो राई होती है ना, उसको हम पीस भूनेंगे नहीं, उसको डायरेक्ट ही पीसेंगे। ये है राई, और राई ज़्यादा जाएगी यहाँ पर। कितना है हमने अनुमान से लिया है, आपके पास जितना अचार है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो राई है ना, वो मैंने ये कटोरा जो है उससे इतना लिया है। देखो, एक फुल कटोरा नहीं है, थोड़ा हाफ कम है फुल से, इतनी राई ली है इसमें। फिर आपके पास जितना अचार हो उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये हींग है प्योर वाली, इसको डालेंगे हम तड़के में, जब हम अचार में तड़का लगाएंगे उसको। ये सब हो गया है तैयार मसाला, ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे और अचार में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारा मसाला अचार में डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हमने लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है ऊपर से, और नमक पहले डाला था टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर और डाला। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, और नमक डाल देंगे। और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें तड़का लगा देंगे राई और हींग का। ज़बरदस्त तड़का लगता है। और मिर्ची आप जितना तीखा खाना चाहते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। और हल्दी भी थोड़ा हमको कम लग रही थी जो हमने पहले अचार में मिक्स की थी, तो फिर हमने हल्दी भी थोड़ा और ऐड कर दी है। और यहाँ पर मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है, हल्दी भी ऐड की है, तीखी मिर्ची ली है हमने, इस एवरेस्ट का तीखा लाल जो होती है ना, वो मिर्ची ली है। आप चाहे तो मिर्ची अखा वाली भी पीस सकते हो उसको, और लाल मिर्ची कलर के लिए भी डाल सकते हो, लेकिन तीखा लाल में कलर भी रहता है और तीखा भी रहता है। उसके बाद ये देखिए, तेल गर्म कर दिया, इसमें हींग और जीरा डाल दिया और इसको ऐड कर देंगे हम। और फिर हमने इसको डब्बे में भर दिया है इस तरीके से, और इसके ऊपर से और तेल ऐड कर देंगे ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। अगर आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, सिरके से भी अचार ख़राब नहीं होता है, लेकिन सिरके का टेस्ट ना हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सिरका नहीं डालेंगे, सिर्फ ऑयल ही ऐड करेंगे। आप चाहें तो कच्चा ऑयल भी डाल सकते हैं, नहीं तो तेल गर्म करके उसको ठंडा होने के बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अचार अब एकदम तैयार है, इसको हम बहुत साल तक खा सकते हैं, 2-3 साल तक आराम से खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, ज़रूर बताना और मुझे कमेंट करना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए।